ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू हाय साल पहले सिक्स इयर्स अगो मैं एक छोटी सी स्टॉल किराए पे लिखे गुड़गांव में समोसे बना के बेच रहा था मेरा नाम है जॉनथन नितिन ब्रेडी जॉनथन फिल्म नितिन ब्रेडी पर मुझे रेडियो पे खुराफाती नितिन के नाम से जानते हैं मैं सत्रह साल से रेडियो कर रहा हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी बताने आया हूँ स्टोरी इज ऑफ द टाइम वन आई हिट रॉक बॉटम और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली exactly क्या हुआ छः साल पहले मेरे रेडियो के करियर को तकरीबन ग्यारह साल हो चुके थे और जिस कंपनी में मैं काम किया करता था जिस रेडियो स्टेशन में मैं था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आया था अब क्योंकि मैं थोड़ा सक्सेस टेस्ट कर चुका था लोग मुझे जानते थे तो मुझे लगा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है बट वन आई वॉक आउट ऑफ द डोर तो यू you नो know, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे लोग कहेंगे आई आइए हमें ज्वाइन कीजिए अरे खुरा पाती नितिन आप फ्री हो गए अब हमें ज्वाइन कीजिए मुझे ऐसा लगता था पर वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए यू you नो know, मेरा ये मानना है ज़िंदगी में कि आपको एक मलहम की तब तक अहमियत याद नहीं आती जो दराज़ में पड़ा हुआ है जब तक आपके घुटनों में चोट ना लगे और मेरे लिए वो मलहम ज़िंदगी में हमेशा मेरा परिवार रहा है तो ऐसा हुआ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और मैंने अपने एक्स कॉलीग्स के थ्रू अपने रिलेटिव्स के थ्रू अपने फ्रेंड्स के थ्रू ये फीलर्स भेजने शुरू करे कि हाँ अब मैं अवेलेबल हूँ और मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे अब मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के छः साल पहले की ये बात है मैंने फीलर्स भेजे मुझे जॉब नहीं मिला मैंने दोस्तों से बात करी आई स्टिल गेट डिन जॉब दो महीने बाद मेरे जो घर की किस्त थी मुझे वो देनी बहुत भारी पड़ रही थी आई कौन पे माई होम लोन बहुत दिक्कत हो रही थी बट आई स्टिल डिन गेट अ जॉब आई स्पोक टू एवरी पर्सन पॉसिबल ऑन दिस प्लानट आई स्पोक टू लॉट ऑफ कंपनीज स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल बट आई डिंग गेट अ जॉब चार महीने बाद मैं अपनी सेविंग्स ख़त्म कर चुका था अपने माँ बाप की सेविंग्स ख़त्म कर चुका था बट आई स्टिल डिंग गेट अ जॉब एंड रिमेंबर वो होता है ना क्या होता है कि जब आप इतने डाउन इन द पिट्स होते हो ना तो आपके परिवार वाले जो हैं वो आप पे और ज़्यादा प्यार शावर करना शुरू कर देते हैं दे रियलाइज़ कि आपको कितने यू नो कितनी अटेंशन की ज़रूरत है इट वाज़ वन ऑफ दोज इवनिंग्स कि मैं अपनी मॉम अपने डैड अपने भाई के साथ मेरी शादी नहीं हुई थी तब बैठा हुआ था चाय पी रहा था एंड माई एंड माई डैड आसमी ही सेट कि सुन क्या करना है अब आगे तो मैंने उनको बोला कि लपकते ही बोला मुझे रेडियो करना है मैंने कहा हाँ वो तो हम जानते तो रेडियो करना चाहते हैं पर रेडियो का ऑफर तो नहीं है तो अब क्या करेगा तो माई मॉम सेट वॉट एक्साइट्स यू तेरे को क्या अच्छा लगता है मैंने कहा खाना उन्होंने कहा खाना खाने के आज तक किसी को पैसे नहीं मिले हैं मैं कह रही मेरा मतलब वो नहीं है सो यू नो एक्चुअली अगर मैं रेडियो चौकी ना होता तो शायद मैं एक शेफ़ होता क्योंकि मैं वाकई में खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ तो so, मैंने उनको बोला मुझे खाना बनाना है तो मैं डायट सेट यू नो कि अगर तू रेस्टोरेंट स्टार्ट करेगा तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है यू नो मैंने आपको बताया सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी तो क्या करेगा रेस्टोरेंट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वट यू गोना डू तो मैंने उनको बोला ठीक है लेट मी थिंक अबाउट इट एंड वट आई केम बैक विद ऑस कि मैंने गुड़गांव में एक छोटा सा खोखा जिसे बोलते हैं दुकान नहीं एक छोटा खोखा लिया और वहाँ पर मैंने खुद बेल कर बना कर समोसे तल कर समोसे बेचने शुरू करे पाँच रुपये का एक समोसा मैं बेचा करता था एंड मैंने आपको कहा था ना थोड़ी देर पहले कि ज़िंदगी में जब आपकी घुटनों पर चोट लगती है ना जो मलहम आप दराज से निकालते हैं वो आपका परिवार होता है सो so, माई ब्रदर टोल्ड मी एंड ही वॉज अ मॉडल एंड डांसर एट दैट टाइम ऑल्सो ही सेट कि लुक आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस अलोन असल में कहना आई नो वोट वॉज हेड उसे लगाओग का मेरा भाई जो है वो 11 साल रेडियो जॉकी रह चुका है लोगों के लिए ऑटोग्राफ साइन करता था सडनली अभी जब जाके खड़ा होकर एक छोटी सी स्टॉल में समोसे बेलकर बेचेगा तो इसके दिमाग पे क्या बीतेगी तो उसने मुझे बोला उसने कहा कि सुन मैं तेरे साथ ही करूँगा मैंने उसको बोला नहीं बड़ी इंसिस्टेड हमने समोसे बनाकर वहाँ पर बेचना शुरू किया एंड यू नो अलॉट टाइम्स वॉट उट हैपन वस कि कई बार कुछ फैंस आ जाते थे अनजाने में जैसे खरीदने के लिए आ गए और वो आके मुझे देखते थे कहते थे आप खुराफाती आती इन इतनी हो मैं कहता था हाँ एंड पहली तो वो ना इधर उधर देखना शुरू करते थे उनको लगता है शायद कैमरा लगे हैं कुछ प्रैंक हो रहा है यू you नो know, कि ये यहाँ क्या कर रहा है एंड देन यू नो दे वुड लुक एट मी विद पिटी इन देयर आइज वो लोग जो आज तक मुझे थोड़े गर्व के साथ देखा करते थे आँखों में प्यार के साथ देखा करते थे मोहब्बत के साथ वो मोहब्बत बदल कर दया बन चुकी थी एंड बिलीव मी इफ़ यू नॉट गॉन थ्रू इट मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपको कभी ये मौका ना मिले देखने का पर किसी की आंखों में अपने लिए दया देखना बहुत दर्दनाक होता है कहीं ना कहीं अंदर से आपको एक तरीके से ना वो कहते हैं ना चूर चूर कर देता है इट स्टार्ट ब्रेकिंग यू डाउन ईगो तो बहुत दूर की बात है कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि कहीं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं टूट जाएगा खैर एक चीज़ जो मैंने हमेशा ज़िंदगी में मानी है वो ये कि वैन यू हिट रॉक बॉटम द ओनली डायरेक्शन दैट डेट गो इज़ अप उससे नीचे तो आप जा नहीं सकते तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि ठीक है ये एक वक्त आया है देखते हैं इसको टैकल करते हैं तो समोसे बनाने शुरू किए पाँच रुपये का एक समोसा बेचा करता था आपको बता सकता हूँ वैसे ट्रेड सीक्रेट्स बताते नहीं हैं पर वो हमें तीन रुपये का पड़ता था हम दो रुपये कमाते थे उस पे। पर आप सोचिए पाँच रुपये का समोसा अगर है दो रुपये में बना रहा हूँ अगर मैं दिन में सौ समोसे बेचूँ तो मैं दो सौ रुपये कमा पाऊँगा राइट और सौ समोसे तो बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं बेच पाती हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि ना मेरे होम लोन की किश्त निकल पा रही थी मैंने एक बहुत ही सौंखी गाड़ी खरीदी थी मुझे लगा था अब तो करियर सेट है पर गाड़ी की किस्त मेरे पे भारी पड़ रही थी जो पहले के क्रेडिट कार्ड के बिल्स पड़े हुए थे उन्हें रिवॉल्व कर करके मैं आगे यू नो धीरे धीरे करके पे कर रहा था तो वो किस्तें पड़ी हुई थी तो अंडरस्टूड था कि ये समोसे की स्टॉल मुझे कहीं लेके नहीं जाएगी पर फिर भी मैं कर रहा था पर वही कहावत है कि भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है वो मुझे लगता है भगवान जब लेता है तो वो भी छपड़ फाड़ के ले लेता है तो मेरी जो समोसे की स्टॉल थी ये भी फ्लॉप होनी शुरू हो गई क्योंकि मैं पाँच रुपये की बेच रहा था समोसे और बाहर किसी ने स्टॉल लगाकर तीन रुपये के बेचने शुरू कर दिया एज लक वुड हैव इट वो स्टॉल जो है बिल्कुल बिखरने लग गई और मैं अक्सर अपने आप के साथ यू नो आई टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ अलोन मेडिटेट करता था और मैं सोचता था कि ये जो भगवान जो तुम मुझे ये पीरियड दिखा रहा है इस बात का एक गारंटी तो है कि अब जब रेडियो में करूँगा अगर मुझे मौका आप दोबारा देते हो भगवान तो जो मैं रेडियो करूँगा ना वो बहुत अलग होगा मुझे अलग किस्म का रेडियो करना है सो so, ये सब कुछ हुआ छः महीने हो चुके थे समोसे की दुकान फ्लॉप हो चुकी थी माँ बाप बहुत टेंशन में थे नेचुअली माँ बाप को इस बात की कम टेंशन थी कि घर की किस नहीं जा रही है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी डीलर को भी दिखाना शुरू कर दिया था वो घर हमने सोचा कि हम उसको बेच के जो है स्टार्ट लिविंग इन ऑन रेंट कहीं पर रह लेंगे कुछ भी करेंगे तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था कि बेटा जो है हमारा कहीं अंदर से टूट ना जाए क्योंकि टूटे हुए इंसान को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मलहम से आप घाव तो ठीक कर सकते हैं मलहम से टूटी हुई चीज़ को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही टेंशन भी थी एंड एज लक वुड हैव इट आई थिंक वो एक बड़ी प्यारी कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कायक होए पर जब भी इंसान दुखी होता है जब घुटनों पर चोट लगती है जब वो टूटने लगता है तब उसे सबसे ज़्यादा भगवान की याद आ जाती है सो आई हैड एन इनवर्ट जर्नी इन दिस टाइम आई हैड अ स्पिरिचुअल जर्नी मैं अपने आप के अंदर जो है अपने आप से बातें करता रहता था और सोचता रहता था क्या करना है सो फाइनली छः महीने बाद मुझे कॉल आया एक रेडियो स्टेशन से उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए अब आप सोचिए छः महीने जिसके पास नौकरी नहीं रही है उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स जो है पेंडिंग पड़ी है माँ बाप की जितनी सेविंग्स है वो खत्म कर चुका है आप सोचिए जब आप कॉलेज में होते हैं तो मैंने तब नौकरी करनी शुरू कर दी थी।, थी मुझे लगता था मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बढ़ा किया दे दंड ए जॉब आई विल नॉट टेक एनी मो मनी फ्रॉम दै एम गुड अर्न फॉर माई सेल्फ अगर ऐसे खुदार इंसान को सडनली अपने माँ बाप की सेविंग्स देखे खत्म करने पड़ जाए इट रियली ब्रेक्स यू विद इन तो ये सब कुछ हो रहा था तो ऐसे टाइम पे अगर कोई आपको ऑफर दे तो आप क्या बोलेंगे आप लपक के ले लेंगे ऑफ़र राइट दिस वॉज माई आंसर टू दैट मैन हु कॉल्ड ऐसे देखिए मैं आके आपके साथ शो तो करूँगा पर मैं अपना तरीके का शो करूँगा अब उन्होंने सोचा होगा ये आदमी सरका है क्या छः महीने से इसकी हालत ख़राब है खाने के लाले पड़े हुए हैं इसको इतनी हालत ख़राब है वाट लगी बड़ी ज़िंदगी में इसकी ही भजूड़ियाँ भजूढ़ियाँ और ये हमें बोलता है कि मैं अपने टाइप का रेडियो करूँगा वट इज़ यू मीन खैर उन्होंने फ़ोन रख दिया उन्होंने कहा ओके okay, रख दिया फ़ोन एक हफ्ते बाद फोन आया मैंने कहा ठीक है आके बात तो करो तुम्हारे टाइगर रेडियो है क्या सो आई वेंटेंस पोको दिन टोल दैम मुझे सी एस आर करना है रेडियो पे मैं इस दौरान ना एक बात समझ चुका था कि आप जिंदगी में कुछ भी काम जो भी करते हैं ना चाहे आप मीडिया में है चाहे मीडिया में नहीं है जो भी आपका काम है ना अगर आप चाहें ना तो आप उस काम के जरिए दूसरों की बहुत मदद कर सकते हैं तो मैंने उनको बोला मुझे सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे इनिशिएटिव जो है मुझे रेडियो पे करने हैं तो उनका पहला जवाब था सी एस आर तो बोर कर देगा सबको सी एस आर इज़ गोड सो बोरिंग पर मैंने उन्हें एक बात कही मैं कही कि जब आप मुझे ऐसा लगता है डीप डाउन इन साइड हर इंसान ना एक अच्छा इंसान है एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली डीप डाउन इन साइड हैज़ अ गुड सोल द ओनली चैलेंज इज टू कनेक्ट विद दैट पार्ट राइट मैंने उनको बोला तो जब आप एक अच्छा काम करते हैं ना और लोग सुनते हैं कि आपने अच्छा काम करा तो उनके चेहरे पर स्माइल आता है आई न्यू नो स्माइलिंग इज़ फन तो अच्छा काम डेफिनेटली फन है अलाउ मी टू डू इट एंड दैट्स वेर माई एंटायर जर्नी स्टार्टेड छः साल पहले ऑलमोस्ट साढ़े छः साल पहले मैंने सी एस आर करना शुरू किया रेडियो पर एंड द फर्स्ट इनिशिएटिव दैट एडिट वॉज दे वॉज इज गर्ल हु कॉल्ड मी आप उसने मुझे बोला कि uh, मेरे भाई जो हैं वो जेल में है उन्हें कहा कि मैं अपने स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी ग्यारहवीं में थी उन्हें कहा कि मैं स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर पा रही थी तो भैया रेलवे की पटरी के बगल में चल रहे थे और वहाँ पर उन्हें एक लोहे का पीस मिला उन्होंने उठा लिया सोचा बेच के जो पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस काफ़ी कम होती है उन्हें कहा वो मैं दे दूंगा जब उसने वो पीस उठाया वो इतना सीधा इंसान था एक टेलर है शायद वो वापस छोड़ भी देता पर किस्मत भगवान जब लेता है तो छबड़ फाड़ के लेता है तो उसने जैसे ही वो पीस उठाए तीन में रेलवे पुलिस ने उसको देख लिया इमीडिएटली पकड़ लिया जेल में बंद कर दिया अब वो वीन महीने की सज़ा काट चुका था उसने मुझे कॉल करके बोला कि वो तीन महीने की सज़ा तो काट चुके हैं भैया है। अब उन्हें तीन महीने और काटने पड़ेंगे क्योंकि जो पनिशमेंट के साथ जो फ़ाइन था वो हम पे नहीं कर सकते हमारे पास पैसे नहीं है बहुत मीज़ली अमाउंट था बताने की ज़रूरत नहीं कितना अमाउंट था और तो मुझे लगा कि देखिए जो उसने जुर्म किया था उसके लिए तो उसने तीन महीने सर्व कर लिया अब जो तीन महीने वो जेल में काटेगा वो अपनी गरीबी की वजह से काटेगा और गरीबी कोई क्राइम नहीं है सो आई डिसाइडेड कि सो मैंने उसका वो फाइन पे किया मैं उसको बाहर लेकर आया बट द पॉइंट वॉज ये छोटा फाइन देकर तो कोई भी किसी को रिहा करा लेगा द आइडिया वॉज टू रिहेबिलिटेट हिम ताकि वो फिर से किसी रेलवे की पटरी के बगल में खड़ा होकर कोई लोहे का पीस ना उठाए सो वी गॉट एम अ जॉब उसने नौकरी करनी शुरू करी एक छोटा सा घर किराए पे लिया आज उसकी बहन जो है ग्रेजुएट है उसकी शादी हो चुकी है उसका एक बच्चा भी है एंड शी ऑल्सो हैज अ जॉब सो दैट इज़ वेयर माई जर्नी फॉर दिस सी एस आर इनिशिएटिव स्टार्टेड उसके बाद काफ़ी कुछ किया जैसे हमने फेस रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स कराई क्योंकि ज़्यादातर जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं ये थोड़े लोअर तबके से आते हैं दे काट अफोर्ड दी सर्जरीज वे एक्सपेंसिव सो आई टार्ट अप हॉस्पिटल गॉट दैट डन एज वर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग एंड दैट इज द पावर ऑफ रेडियो दैट इज वाई एम सो इन लव विद दिस मीडियम आप सोचिए मैं दिल्ली एन में शो करता हूँ आगरे से एक रिक्शे वाला हमारे स्टूडियो आया उसने हमें बताया कि आपके बारे में मुझे पता लगा है और मेरे बेटे के दिल में छेद है उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारे डॉक्टरों ने आगरा में बोला है कि इसके पास एक महीना बचा है इस बच्चे के पास अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा बचेगा नहीं बहुत ही प्यारा बच्चा था उसको साथ लेकर आया था एंड मतलब मैंने उसको जब शक्ल देखी मुझे लगा कि यार मतलब दिकार अगर मैं इसकी मदद ना कर पाऊँ इतने बड़े मीडियम पर होने के बाद सो आई जस्ट स्टार्टेड अ कैंपेन यू नो कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों का शहर है मुझे लगता है ये जो विश्व है ये पूरा वर्ल्ड जो है ये दिल वालों से भरा हुआ है और अगर आप एक्चुअली लोगों से बताएं कि लोगों को बताएं कि ऐसे यू नो देर इज़ अ लेसर ब्रदर इन इन नीड कोई मुसीबत में है तो हर कोई आगे आता है हेल्प करने के चक्कर क्या होता है ना हमारी ज़िंदगी में इतने तनाव है कि हम कई बार भूल जाते हैं यू नो हमें हमारा इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता कोई हमें बताएगा कि किसी को मदद की ज़रूरत हो तो, तो ज़्यादातर लोग मदद ज़रूर करते हैं तो मैंने कैंपेन शुरू करी उस बच्चे का जो हमने ऑपरेशन कराया वो बच्चा आज बहुत ज़्यादा शरारती है और कभी कभी फ़ोन भी कर देते उसके पिताजी तो दैट किड इज़ एब्सोल्युटली फाइन हमने वो कराया जस्ट टू मोर थिंग्स आर टेल यू फिर एक किसान के बेटे ने हमें कॉल uh, किया और बताया वो ऐसी स्टोरी बता रहा था अपने कहते कि मैं आपका शो सुन रहा था मेरे दिल की आपसे बात करने का और उसने बताया कि एक ट्रक जो है वो बाइक चला था तो टपरी पर चाय पी रहा था एक ट्रक आया उसके पैर के ऊपर से चला गया फ्रॉम हेयर डाउनवर्ड्स उसका पूरा पैर जो है उनको आ, काटना पड़ गया लेग मुझे लगा आप आपको पता होगा एक बहुत अच्छा काम जो इंडिया में होता है जयपुर टांगों उसे बोलते हैं और वो निशुल्क लगाई जाती है सो पीपल हु के नॉट अफोर्ड अ प्रोस्थेटिक वो वहाँ जाते हैं उन्हें वो जयपुर टांग लगाई जाती है बहुत ही नेक काम किया जाता है पर मुझे लगा जस्ट बिकॉज वो एक किसान का बेटा है गरीब है डज मीन की अब उसको हमेशा जिंदगी भर ऐसे लंगड़ा के चलना होगा उस प्रोस्थेटिक के साथ सो आई स्टार्टेड अ कैंपेन आई गॉट वीरेंद्र सहवाग इन्वॉल्व क्रिकेटर्सो पिस्ट इन एंड वी गॉट अ प्रोस्थेटिक एम प्रोस्थेटिको ट्वेल्व एंड हाफ लैक्स और आज वो मैराथन में भागने की तैयारी कर रहा है दैट्स फिट इज एंड यू नो वेन आई सॉ हिम आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ वेन ईट गॉट द प्रोस्थेटिक आई कुंड बिलीव कि वो कैसे चल रहा था ऑनेस्टली ही वॉज वॉकिंग मच बेटर देन ऑल ऑफ अस और वो इतना उसके अंदर इतना जोश था था उसके पिताजी तो हैं बार बार रोई जाए मैंने उनको बोला मैंने कहा हमने कुछ नहीं कराया यू नो दिस इज़ जस्ट गॉड जो है आपको एक बस मीडियम बनाते हैं आप किसी का कभी भला नहीं कर सकते ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक जरिया बनाया जा सकता है किसी का भला करने का भला करने वाला तो सिर्फ वो ऊपर बैठा है तो ये हुआ एंड धीरे धीरे करके जो है कैंपेन्स चलती रही जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ प्लान नहीं करते हैं फिर भी कुछ अच्छा काम आपके हाथ से हो जाता है और ये अच्छा काम मैंने नहीं दिल्ली ने किया मैं आपको बताता हूँ क्या मुझे एक जनाब का कॉल आया उन्होंने मुझे बताया कि मेरे फादर जो उनको हार्ट अटैक हो गया था मैं उनको एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जा रहा था उन्होंने कहा कि नितिन जी एनी वो पता लग रहा था कि डिस्ट्रेस में है थोड़े दुखी थे और बात करते करते धीरे धीरे करके जो है उनकी उनकी जो सैडनेस है उस कॉल में वो बढ़ती गई एंड उन्होंने मुझे बताया कि हम जैम में अटके हुए थे नितिन जी अगर ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस को साइड नहीं दी जा सकती थी पर किसी ने साइड नहीं दी कहते मेरे फादर जो हैं वहाँ पर तड़पते रहे उन्होंने मेरी शर्ट खींची मेरी शर्ट के बटन टूट गए वो जो आखिरी लुक थी उन्होंने बस मेरी आंखों में देखकर मुझे बस बाय बोला और वो वहीं चले गए ट्रैफिक जाम में मुझे लगा मेरे मुंह पे किसी ने खिंचा के चाटा मारा है नॉट बिकॉज मैं उस गाड़ी के आगे था उस एम्बुलेंस के आगे था पर मुझे लगा कि क्योंकि इसने दिल्ली को कॉल किया आज ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और मुझे लगा कि हम कैसे एक समाज में रहते हैं कि हम इतने ज़्यादा जो हैं इनसेंसिटिव हैं कि हम एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे सकते हैं आई मीन दिस इज़ द लीज दैट वी कैन डू फॉर एनी और मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ करी तभी मैं आपको कह रहा था कि अगर आप किसी को बताएं किसी को मौका दें तो हर कोई अच्छा काम करना चाहता है मैंने बस ये बोलना शुरू किया कई बार क्या होता है कि जब एम्बुलेंस का सायरन आप सुनते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप कन्फ्यूज़ होते हैं क्या करना है लेफ्ट जाना राइट जाना क्या क्या करना है मैंने एक सिंपल सी चीज़ करी टू टू मेक थिंग्स सिंपल टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस मैंने कहा आपको जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है आप लेफ्ट हो जाइए जिस भी लेन में आप लेफ्ट होना शुरू हो जाइए एम्बुलेंस राइट से निकलेगी एम्बुलेंस फर्स्ट उसको मौका दीजिए जाने का धीरे धीरे करके जो है वो कैंपेन इतनी बड़ी हो गई इट वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग कैंपेन ऑफ माय रेडियो करियर इट वॉज नॉट मेंट टू बी अ कैंपेन बिकॉज पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अप एंड पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग इन वीरेंद्र सभा कॉल मी एंड वीरेंद्र सवा इज ऑलवेज ही दिल्ली के रहने वाले हैं तो जब भी वो ट्रैवल किया करते तो रेडियो बहुत सुनते हैं ही इज़ अ वेरी आर्डेंट रेडियो लिसनर तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला हमारी टेलॉस बोलते हैं हम उसको जिस पर कॉल्स आते हैं उन्होंने उस पर कॉल किया और कहा कि मैं आपको बस ये बताने के लिए बधाई देने के लिए फ़ोन किया कि मेरा ड्राइवर मैं उसको इतना टोकता था और वो कभी साइड नहीं देता था एंबुलेंस को कहता था कोई बात नहीं वहां से निकल जाएगी वह सुनता नहीं था मेरी कहते हुआ आपका शोर रोज सुनता है और आज पहली बारी मैंने उसको देखा कि एंबुलेंस आई उसने साइड दी जैम में आगे वाली गाड़ी साइड नहीं दे रही थी वो नीचे उतर के गया उसको डांटा और उसको साइड करवाया और उस एम्बुलेंस को जाने दिया दैट दैट फॉर मी वॉज विक्ट्री ऑफ रेडियो दैट डे नॉट माई विक्ट्री एन आई स्टार्टेड अ पीलिंग क्योंकि क्या होता है ना देखिए रेडियो स्टेशन अलग अलग हैं हम सब अलग अलग स्टेशन में काम करते हैं मैंने तो घाट घाट का पानी पी लिया मैंने इतने स्टेशन में काम कर दिया आई थिंक आई ए रिकॉर्ड इन इंडिया नॉफ वर्किंग गए तो मैक्सम नंबर ऑफ स्टेशन बट मुझे लगा कि ये एज अ फैमिली ऑफ रेडियो वी नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस तो मैंने रेडियो पर अपील करनी शुरू कर दी दूसरे रेडियो स्टेशन से भी कि आप प्लीज़ टेल योर लिस्नर्स सबको बोलिए कि एम्बुलेंस को रास्ता दे एम्बुलेंस वो इतनी अच्छी कैंपें मांगी दैट पीपल देन स्टार्टेड कॉलिंग अस अप एंड सिंह मैं कभी वो बात नहीं भूलूंगा दिस गाय कॉल्ड अप जब कॉल उठाया वो रो ही रहा था वोने कहा मैं आपको सिर्फ थैंक यू के लिए फोन किया मैंने कहा क्यों कहते आज मेरी आंटी आपकी वजह से बच गई मैंने कहा मतलब कह रहे नितिन आज मैं निकला एम्बुलेंस में हम बैठे थे और जिस रास्ते से हम गए फटाफट लोगों ने रास्ता दिया हम आराम से हॉस्पिटल पहुँच गए और मुझे लगा दैट वॉज द विक्ट्री ऑफ दिस मीडियम कॉल्ड रेडियो सी यू नो चेंज इज समथिंग दैट यू मस्ट इनकोऑपरेट इंट योर लाइफ मैंने जिंदगी में यही सीखा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको चेंज तो होते रहना पड़ेगा इसलिए टू समिट ऑल अप मैं आपके लिए कुछ लिख के लाया हूँ इस पूरे फेज के थ्रू यू नो जो मैं गया और मुझे लगता है भगवान करे आप में से कोई भी कभी इस फेज के थ्रू ना जाए बिकॉज बहुत दर्दनाक होता है एंड इट हर्ट्स द मोस्ट वेन यू सी दैट योर फैमिली इज हर्टिंग बिकॉज ऑफ यू दैट इज़ द बिगेस्ट सोरो दैट यू कैन गेट इन योर लाइफ कि आपकी वजह से आपके परिवार को तकलीफ हो रही है तो मैं आपको चार चीज़ें बताता हूँ जो मैंने सीखी हैं एंड आई जस्ट लाइक टू शेयर विद यू कि आपकी फैमिली जो है ना मैं जानता हूँ आज आप में से बहुत सारे यंग लोग हैं आपको लगा कि मेरे दोस्त हैं मेरे यार अच्छी बात है दोस्ती यारी बहुत है पर आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में रियलाइज़ होगा दैट कम वॉट वे थ्रू थिक एंड थिन द ओनली पीपल हु ऑलवेज स्टैंड बाई यू नो मैटर वॉट इज़ योर फैमिली सो रिस्पेक्ट दम राइट नो मैटर वॉट रिलीजन यू फॉलो चाहे आप किसी भी प्रांत के हैं किसी भी धर्म के हैं कहीं से भी आए हैं योर कनेक्शन विद दैट विदाइट बींग दैट सुपर बींग हुई कॉल गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप रोज पूजा करते हैं मेडिटेट करते हैं राइट जब आप भगवान के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं एक्चुअली आप अपने लिए खुद के लिए वक्त निकालते हैं प्रेइंग टू गॉड इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद योर सेल्फ दैट इज़ वॉट यू डू सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डू दैट नेवर गेट कम्फर्टेबल विद वॉट यू हैव आई बिलीव इन दिस वेरी स्ट्रांगली कि जो आपके हाथ में आज है वो टेम्प्रेरी है जब तक वो चाहता है वो आपके हाथ में है जब उसका मन उप गया तो छप्पर फाड़ के भगवान ले लेता है बताया था ना आपको तो ले लेगा तो इसलिए जो चीज़ आपके हाथ में है कभी भी उस पर ज़्यादा गर्व मत कीजिए डोंट बी सो प्राउड ऑफ इट दैट यू फोगेट दैट इज टेम्प्रेरी एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बी विलिंग टू चेंज आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए आपको हमेशा चेंज करना होगा इसलिए मैं चाहता हूँ आज आप मेरे साथ एक प्रण ले टेक योर राइट हैंड ऑन टू योर हार्ट एंड रिपीट आफ्टर मी आई वॉन्ट यू टू से दिस विद मी चेंज इज द की ऑफ लाइफ Change is, always uncomfortable. change is always uncomfortable. Change is inconvenient. Change is, inconvenient. Change is, difficult. Change is difficult. And yet, and yet change, is what keeps you going. change is what keeps you going. If I need to, change, if I need to change, I will change, I will change. Thank you, ladies and gentlemen. That is the story of my life. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और आप पूरे जोश के साथ इस जोश टॉक को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इधर कॉमेंट्स में जो है अगर आप कॉमेंट्स लिखोगे तो मैं आके आपसे खूब सारी बात भी करूंगा और एक और बात सारी जोश टॉक्स बहुत इंस्पायरिंग है बाकी सारी भी देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए